fine. Today's video is for those who are preparing for entry test for MS, MPhil and PhD exam, and also for those who have completed their studies and now are preparing for competitive exams. यहाँ पर उन स्टूडेंट को एक टिप देना चाहती हूँ जो एंट्री टेस्ट देने लगे हैं यूनिवर्सिटी में, कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और एंट्री टेस्ट की तैयारी करें तो वहाँ की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फैकल्टी ज़रूर आप चेक करें कि वहाँ पर जो फैकल्टी उनकी स्पेशलाइजेशन किस किस फील्ड में है. तो जिस जिस फील्ड में उनकी स्पेशलाइजेशन हो आप पहले वो वाले पोर्शन पहले तैयार कर लें, क्योंकि यूजली फैकल्टी से एंट्री टेस्ट के लिए क्वेश्चंस लिए जाते हैं और हर मेंबर जो सा है वो 10-15 एमसीक्यूज या कुछ भी बना के दे देते हैं और फिर उन सबको कंबाइन करके एक एंट्री टेस्ट प्रिपेयर किया जाता है. सो दिस वीडियो कंटेन अबाउट 90 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट देन काइंडली सब्सक्राइब सो डैट आई कैन मेक मोर वीडियोज. सो लेट स्टार्ट द वीडियो एंड द फर्स्ट वन इज ए सेलुलर स्ट्रक्चर इज करेक्टरिस्टिक ऑफ. ए सेलुलर स्ट्रक्चर किसकी करैक्टरिस्टिक है, वो आंसर है वायरस. वायरसेस जो से होते हैं वो ए सेलुलर उनका स्ट्रक्चर होता है और सेलुलर ऑर्गेनेल्स को लैक करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, और ये ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं और रिलाई करते हैं होस्ट के ऊपर फॉर रेप्लिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है टी एम वी टोबैको मोज़ेक वायरस मेनली काज इन्फेक्शन इन. टोबैको मोज़ेक वायरस कहाँ पे या किस में इन्फेक्शन काज करता है, किस ऑर्गेनिज्म में, आंसर है प्लांट्स. और ये टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है और इसका जेनेटिक मटेरियल कंटेन आरएनए. मोस्ट ऑफ द वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटीरियल, ओनली माइनॉरिटी ऑफ प्लांट वायरसेज पोसेस डीएनए. थर्ड क्वेश्चन इज सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एलजी इज मेड अप ऑफ, आंसर है पेप्टाइडोग्लाइकन. यहाँ पे अगर ब्लू ग्रीन एलजी की जगह पे बैक्टीरिया का भी पूछा जाता तो भी आंसर पेप्टाइडोग्लाइकन होता. और काइटन जो सा है वो फंजाई की सेल वॉल में होता है और सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोकाई डिवाइडेड इनटू थ्री प्लेन्स एंड फॉर्म क्यूब लाइक ग्रुप ऑफ एट इज कॉल्ड सार्सिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला आर कॉल्ड एट्राइकस. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, आंसर है सैक्रोमाइसिस या यीस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अंडरग्राउंड स्टेम, इनमें से कौन सी अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, आंसर है टर्निप. टर्निप जो सी है वो रूट है और बाकी जो सी है वो स्टेम के मॉडिफिकेशन हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, किसको एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का, आंसर है ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स लिव इन बोथ लैंड ऑन प्लांट और वाटर, दे नीड वाटर टू कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. क्वेश्चन 9 इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. 10 क्वेश्चन है पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर एस्टेब्लिशमेंट इज नोन एज एक्स प्लांट. प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इज रीडिफाइंड मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है. क्वेश्चन 12 सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव थ्रू प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. लाइगेज इज अ एंजाइम दैट कैन ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट. लाइगेसिस गम की तरह एक्ट करते हैं और डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं. यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. क्वेश्चन 15 ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन चेंजेस टू अल्कोहल डैश चेंजेस टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर है जी पाइरोविक एसिड. क्वेश्चन 16 डैश इज ए वेक्टर फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन प्लाज्मिड वायरस बोथ, नन ऑफ दीज, आंसर है बोथ प्लाज्मिड और वायरस. माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट कैन नॉट बी डिस्पोज, किस तरह माइक्रोबियल एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया जा सकता, आंसर है माइक्रोवेविंग. तो किस किस मेथड से डिस्पोज किया जा सकता है, उसमें क्या आ जाता है जी ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन जिसमें बर्निंग होता है और इसमें बरी किया जाता है. नेक्स्ट है वेरी लॉन्ग कैप्सूल इज फाउंड इज, आंसर एंथोसिरस. एंथोसिरस जो है ब्रायोफाइट है और ये हॉर्नवर्ट्स का मेंबर है और ये आप इसको तस्वीर में देख सकते हैं कि ये इसका कैप्सूल है और ये हॉर्न की तरह नज़र आता है, इसलिए इसको हॉर्नवर्ट कहा जाता है. ब्रायोफाइट्स जो से हैं उसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों होती हैं और जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है वो डोमिनेंट होती है और स्पोरोफिटिक जनरेशन डिपेंड करती है गैमेटोफिटिक जनरेशन पर. इसके अलावा अगर आपने ब्रायोफाइट्स के बारे में और कुछ देखना हो और कुछ समझना हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स पर. नेक्स्ट एल्ब्यूमिनस सेल आर प्रेजेंट इन,
अल्बुमिना सेल जो कि फ्लोएम का पार्ट है वो किस में होते हैं? आंसर है जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 20, वैस्कुलर प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रैकियोफाइट्स। नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय लोअर प्लांट्स आर टर्म्ड एज ए प्लेनोस्पोर्स। टू डिवेलप प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल टिश्यू इन कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपागेशन। ए रिस्पॉन्स टू डे लेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्लावरिंग इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म। इन C3 एंड C4 प्लांट्स प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स का पूछा गया है कि C3 में किस तरह होती है और C4 में कैसे होती है। आंसर है RUBP कार्बोक्सिलेज एंड PEP कार्बोक्सिलेज। C3 प्लांट्स में एंजाइम के जरिए होती है रिबोलोज बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और C4 में फॉस्फोइनोल पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज के जरिए। विच मेटाबॉलिक पाथवे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट? आंसर है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं। फॉर वन हेक्सोज नेट गेन ऑफ ATPs प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज 36। प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसके लिए लाइट ज़रूरी है, वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन से हैं? ATP और NADPH। यहाँ पे आप देखें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, इसमें ATP हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं और NADH प्रोड्यूस होते हैं जो फिर डार्क रिएक्शन में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमारा सिंथेसाइज होता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग फॉल्टी जीन विद करेक्ट जीन इज कॉल्ड जीन थेरापी। एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट। एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ कैसे जॉइन होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के जरिए। इन ए डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल अमाउंट ऑफ एडेनिन प्रेजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ। एडेनिन जो सा है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थायमिन के साथ। और साइटोसिन बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ। तो जितनी डबल स्ट्रैंडेड DNA में एडेनिन होगी उतनी हमारे पास थायमिन होगी, क्योंकि उसने एडेनिन है थायमिन के साथ बॉन्डिंग करनी और साइटोसिन है गुआनिन के साथ बॉन्डिंग करनी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। द प्रोसेस इन विच mRNA इज मेड फ्रॉम DNA ऑफ द इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और फिर RNA से जो प्रोटीन बनने का अमल होता है या प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे mRNA जो बनता है DNA से उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डैश एंजाइम इज नॉन टू हैव गम लाइक एक्शन। आंसर है लाइगेज एंजाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया यूज एक्सटेंसिवली इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आंसर है ईकोलाई। जीन बैंक्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ कंजर्वेशन। आंसर है XCTU। यहाँ पे आपको बता दूँ कि XCTU और INCTU क्या होता है। XCTU कंजर्वेशन इज डन बाई प्रिजर्विंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड दियर नेचुरल हैबिटेट, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर। जबकि INCTU में इनका मतलब ही क्या है? अंदर। INCTU कंजर्वेशन में कंजर्वेशन की जाती है स्पीशीज़ को, जो उनसे प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में। तो ये डिफरेंस है। और जीन बैंक्स किस एग्जाम्पल? XCTU की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन अनकल्टिवेटेड लैंड डैट विल प्रोवाइड नेसेसिटीज फॉर ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल, जो कि ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल्स के लिए नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं। आंसर है रेंज लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ऑफ F1 टू एनी ऑफ द पेरेंट इज नोन एज बैक क्रॉस, जबकि क्रॉसिंग ऑफ F1 टू एनी ऑफ द रिसेसिव पेरेंट उसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। और यहाँ पे अगर F1 क्रॉस बैक क्रॉस की जगह पे F1 क्रॉस होता तो आप फिर उसको टिक करते, तो F1 क्रॉस भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है? बैक क्रॉस, क्योंकि F1 क्रॉस नहीं दिया हुआ। प्रेशर पोटेंशियल ऑफ फ्लैसिड सेल वुड बी यूजली 0। स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे इन, कहाँ पे जोन से स्टोमेटा क्लोज रहते हैं दिन के वक्त में? आंसर है कैम प्लांट्स में। इसमें कैम फोटोसिंथेसिस होती है, क्रोसिलोस एसी मेटाबॉलिज्म, और इसमें वो क्या करते हैं अपनी एवेपोरेशन जोन सी है उसको मिनिमाइज करने के लिए और वाटर को कंजर्व करने के लिए रात को जोन सा है वो स्टोमेटा ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं। इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। बहुत सारी जो फूड About 90% of nitrogen fixation is carried out by biological fixation. Net ATP production in glycolysis are 2. In the first two step, ATPs are utilized, whereas in the fourth last step and last step, ATPs are produced. 4 ATPs are produced but as
2 ATPs are utilized, therefore the net production of ATPs during glycolysis is 2. Symplastic movement is through cytoplasm or plasmodesmata, whereas apoplastic movement is through outside the cell. So if there is option of plasmodesmata instead of cytoplasm, then you will circle the plasmodesmata. Arrangement of leaves on stem is called phyllotaxy. Which of the following hormone transport is polar? Answer is auxin. Directional transport of auxin occur from cell to cell in plants. Most advanced group of algae is chlorophyta, that is green algae, whereas the most primitive group of algae is cyanophyta, that is blue-green algae. Next question 47 is, study of algae is called phycology, whereas the study of fungi is called mycology, and study of bryophyte is called bryology, and the study of organism with relation to their environment is called ecology. Dash is the female reproductive organ of Kara. Answer, animalcule, whereas the male reproductive organ of Kara is called globule. Question 49, Clooney of Dash is also called synobium. Answer, Wallbox. Question number 50, Sago palm is common name of Cycas, that is the gymnosperm. Conservation of organism in a natural habitat is called in situ conservation. Natural habitat mein hoti hai, to in situ conservation hoti hai, whereas outside the natural habitat hogi, to usko ex situ conservation kahenge. For example, seed bank or gene bank, wo ex situ ki example hai, aur jahan pe jo right option hai, jahan pe natural habitat mein hogi, usko in situ conservation kahenge. Vaccinia species are commonly known as rust fungi, whereas Astilago species are commonly known as smut fungi. Question number 53, Dash is a fertile structure in Basidiomycete hymenium. Answer, Basidia. Fungi that have capacity to grow either as mycelia or spore are known as dimorphic. Ectomycorrhiza form dense hyphal sheet on root known as mantle. Here you can see the mantle. Question number 56, and ectomycorrhiza form network in the roots known as Hartig net. Here you can see the Hartig net. Question number 57, a mushroom is saprophyte, obtain their food from dead organic matter. Question number 58, white rust of crucifer is caused by albugo. Question number 59, the filament made up of the body of a fungus are called hyphae. Question number 60, causal agent of black wart of potato is Syncytrium endobioticum. Causal agent of late blight of potato disease is Phytophthora infestans. Phytophthora infestans late blight of disease potato mein cause karta hai. It has triggered the Irish potato famine. It is estimated that famine caused about 1 million deaths between 1845 to 1851, as potato is the staple food. Question number 62, Dash is an example of secondary metabolite. Answer is alkaloids. Question number 63, natural rubber is an example of Dash terpenes. Answer is polyterpenes. Question number 64, in nucleosome histones are Dash charged. Histone pe kaun sa charge hota hai? Answer is positively charged, as DNA carries the negative charge. So histone positive charges allow them to associate with DNA in chromosome. Short symbolic representation of floral feature is called floral formula. Question number 66, Takhtajan system of classification is also known as artificial system of classification. Question number 67, Linnaeus is credited which of the following? Answer is binomial nomenclature. Question number 68, term taxonomy was introduced to plant science by? Answer is A.P. de Candolle ne taxonomy ka term jo si thi wo di thi. Or term systematic was coined by? Answer is Carolus Linnaeus. Which of the following tissue has dead cell? Kis mein dead cells hote hain? Answer is sclerenchyma. Question number 71, Dash tissue produce new cells on cell division. Kaun sa jonsa tissue hai wo cell division ke zariye new cell banata hai? Answer is meristematic cells. Dash fiber belong to which tissue? Answer is sclerenchyma. Question number 73, Monandria is the term used for one stamen. Variation is the source for evolution. Question number 75, plants growing under direct sunlight are known as heliophytes, whereas plants growing under shade are known as geophytes. Question number 76, assessment of economic, social, and environmental effect of public policy is called impact assessment.
क्वेश्चन नंबर 77, सक्सेशन इज इनिशिएटेड बाय फ्यू हार्डी इन्वेडर्स कॉल्ड पाइनियर्स। क्वेश्चन नंबर 78, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। क्वेश्चन नंबर 78, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटर इज नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 79, प्रोटेक्टेड एरिया वेयर कंट्रोल हंटिंग इज अलाउड, जहाँ पे कंट्रोल हंटिंग अलाउ है कभी कभी, वो है गेम रिजर्व, यानी कि ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को देखते हुए वहाँ पे कंट्रोल हंटिंग अलाउ होती है। हाइबिस्किस एस्कुलेंटस बिलोंग टू फैमिली मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 83, ऑल द मेजर सीरियल बिलोंग टू फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं सीरियल? आंसर है पोएसी, और दूसरा नाम क्या है? ग्रामिनी। क्वेश्चन नंबर 84, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। हाई रूट टू शूट रेशो इज फाउंड इन 0.5 डेजर्ट प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 86, द कंपटीशन दैट अकर बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और अगर सेम स्पीशीज के दरमियान होगा तो हम उसको इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, डैश हैव द स्मॉलेस्ट सीड? आंसर है ऑर्चिड्स, और सीड्स की जो लेंथ होती है वो 0.05 मिलीमीटर है। क्वेश्चन 88, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विच बिलोंग टू द सेम स्पीशी व्हेन लिव टुगेदर इन ए रीजन इज नोन एज पॉपुलेशन। क्वेश्चन 89, द प्रोपोर्शन ऑफ यंग इंडिविजुअल इज हाईएस्ट इन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ने वाली पॉपुलेशन में यंग इंडिविजुअल की रेशियो ज़्यादा होगी ओल्डर से। लास्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप इन विच बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। सो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू।